नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मील मजा में। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट, वो भी बिना अंडे के। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बिना अंडे के ऑमलेट कैसे बनेगा। तो चलिए हम बताते हैं बिना अंडे के ऑमलेट कैसे बनेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी बेसन, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कटोरी से थोड़ा कम यानी एक तिहाई कटोरी मैदा और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला बैटर तैयार करेंगे। हमें इसे गाढ़ा नहीं रखना है, इसे एकदम पतला रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब गैस पर रखेंगे एक पैन। अब इस पैन में एक चम्मच ऑयल डालेंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें एक करछी बैटर डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसे हमें करछी या चम्मच से नहीं फैलाना है, इसे पैन को हिलाकर ही फैलाएंगे। अगर हम इसमें चम्मच से फैलाएंगे तो ये चीला जैसा बन जाएगा, हमें इसे चम्मच से नहीं फैलाना है। फ्लेम को लो ही रखना है बिल्कुल। इसमें खुशबू भी बिल्कुल ऑमलेट जैसी ही आती है और इसका टेस्ट भी एकदम ऑमलेट जैसा ही होता है। बस ये बनता बिना अंडे से है। अब हम इसे पलट लेंगे और पीछे से भी एक मिनट तक पकाएंगे। अब ये दोनों साइड से सिक गया है और अब इसे फोल्ड करके सर्व करते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट ऑमलेट बना है, वो भी बिना अंडे के। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।